हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है रॉकी एंड आरडीएक्स के बारे में। तो रॉकी भाई ने ये बताया कि इन दिनों उनकी वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करते, और कुछ दिन उनकी वीडियो अच्छा चलता है और कुछ दिन काफी ही खराब चलता है। और इसके बारे में रॉकी भाई ने जब यूट्यूब से बात किया तब यूट्यूब ने उनको बस इसके ऊपर कुछ सजेशन दिया, पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद उन्होंने किया ही नहीं। तो इसके वजह से रॉकी भाई यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो इसके ऊपर रॉकी भाई ने क्या कहा था, खुद देख लीजिए। अलग ही नशे हैं यार यूट्यूब के, कसम से गाइस। कभी नोटिफिकेशन आता है तो 25-26 हजार बंदों तक चला जाता है, कभी नहीं आता तो 2-3 हजार तक ही जा पाता है। अलग ही, अभी पता है रेकमेंडेशन पे पूरा वो लाइव इंसान का भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। यूट्यूब को उस दिन बोला तो मेरे को सजेशंस भेज रहे हैं, सजेशन भेज के बोलते हैं दिस माइट हेल्प यू। अरे क्या हेल्प यू, दिस माइट हेल्प यू, झंडू कहीं के। यूट्यूब पता है गाइस, मैं बताऊं आपको, आई एम वेरी डिसहार्टन एंड आई गॉट टू से दिस, यूट्यूब का जो बिहेवियर है ना वो इंडियन यूट्यूबर्स के लिए बिल्कुल अलग है, और जो उनके यूएस के यूट्यूबर्स होते हैं ना उनके लिए बिल्कुल अलग है यार। जिस लहजे में वो हमसे बात कर, हमको इस तरीके से बात करते जैसे हमको यूट्यूब ऑपरेट ही करना नहीं आता, इस तरीके से उनका बिहेवियर होता है गाइस। मतलब यूट्यूब को बोल रहा हूँ आपका दिक्कत देखिए, वीडियो एविडेंस दे दिया मैंने, उसके बावजूद भी बोल हियर आर सम सजेशन व्हिच कैन हेल्प यू टू गेट योर चैनल रेकमेंडेड। अरे क्या मेरा कंटेंट पूरा हफ्ता सही चलता है, 2 दिन कैसे खराब होता है? YouTube अपना प्रॉब्लम कभी मानेगा ही नहीं। तो आप लोगों ने सुन लिया कि उन्होंने इसमें क्या कहा, पर ये प्रॉब्लम बस उनके साथ ही नहीं बल्कि प्रो नेशन, ट्रिगर इंसान और खुद हमारे साथ भी होने लगा है। पहले हमारे वीडियोस में रोज 1 लाख से ज्यादा व्यूज आते थे, पर इन दिनों हमारे ज्यादातर वीडियो में ही 1 लाख व्यू नहीं आते, और लोगों का व्यू धीरे धीरे बढ़ता है पर हमारा व्यू धीरे धीरे घटने लगा है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को बस आप लोग ही ठीक कर सकते हो। तो आप लोग अगर हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ये प्रॉब्लम होने से भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तब आप लोग बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना, तो इससे ये होगा कि हमने अगर वीडियो अपलोड किया तो आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करना। हमारा अगला न्यूज है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया था और उसमें वो फ्री फायर मैक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि फ्री फायर मैक्स 2.1 GB का होने वाला है, और इसके बारे में ज्ञान गेमिंग ने अपने लाइव स्ट्रीम पे भी बात किया। तो इसमें ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर मैक्स के बारे में क्या जानकारी दिया, देख लीजिए। फ्री फायर मैक्स कौन सा है? जब आएगा तब देखेंगे भाई, 6G के ऊपर चलेगा फोन में। आनंद है भाई, मुझे भी पता नहीं, मैंने तो देखा भाई 2.1 GB का देखा मैंने, तो देखा मैं तो वीडियो डाल के रखा था भाई, अब पता नहीं कब आएगा वो। अच्छा भाई तुम लोग तो वीडियो देख रहे थे, मैं जो फोन में चल रहा था ना, फोन में क्या मस्त लग रहा है उसका, तो बस ट्रेलर देखने में क्या दिख रहा है। 8 GB में चल जाएगा ना? 6 GB भी चल जाएगा शायद, मुझे लग रहा है 6 GB भी चल जाएगा। पता नहीं इन्होंने बोल रहे हैं अभी 2.1 GB का है आईफोन में, हो सकता है एंड्रॉइड में कम हो जाए, एंड्रॉइड 900 MB हो जाए, एंड्रॉइड में कम का हो जाएगा, आईफोन में होता है ना, आईफोन में ज्यादा होता है ना, हमेशा आईफोन में ज्यादा दिखाता है। और इसी के साथ ही ज्ञान गेमिंग ने यह कहा कि वो फरवरी से मॉर्निंग में भी स्ट्रीम करेंगे, पर यह स्ट्रीम वो किसी दूसरे चैनल पे करेंगे, यानी कि वो लाइव स्ट्रीम करने का टाइमिंग भी चेंज करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए ज्ञान गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। टाइम नहीं होता, रुक जाओ जनवरी 28 से रुक जाओ, उसके बाद मैं दिन में स्ट्रीम करूंगा, चिंता मत करो यार, ठीक है मैं फ्री हो जाऊंगा जनवरी 28 तारीख के बाद, मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं 10 बजे लाइव भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो यार, कोई अलग अलग चैनल पे, ठीक है। 28 बोल रहे या 30 के बाद? 28 के बाद फ्री हो जाऊंगा, मगर लाइव आऊंगा और फेब्रुअरी से पकड़ लो यार। 33 और कैसे रात में जो कैसे 8 बजे लाइव शो होता ना, इसको भी कमा दूंगा, ये 7 बजे ले 11 बजे करूंगा, सब टाइम के एक्सेस कर दूंगा हम लोग। अगला न्यूज है एएस गेमिंग के बारे में। तो एएस गेमिंग ने यह बताया कि फिर से किसी ने उनके कंटेंट को कॉपी किया है, तो उनका जो सिटअप वाला फन कंटेंट था उसको किसी ने कॉपी किया। तो इसी के बारे में बात करते हुए एएस गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। हम आप लोग पता है ना, हम लोग ने एक नई गेम निकाली थी यार फैक्ट्री ऊपर, सिटअप वाली यार, सिटअप गेम, सिटअप। मैं उसी दिन तुम लोगों को बोला था यार कि कोई ना कोई इसको भी डालना शुरू कर देगा, मतलब इसको भी चुरा लेगा, साफ भाषा में बोलूँ तो वही हुआ। बट कोई ना यार, मैं क्या बोलूँ यार, फिर बोलूँगा ना तो फिर तुम लोग यार, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई ये सब सबके साथ कंट्रोवर्सी करता है क्या भाई, मेरे को किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करनी यार, मेरे को कंट्रोवर्सी से क्या फ़ायदा होगा यार, अपना चैनल वैसे ही मस्त चल रहा है यार, कंट्रोवर्सी करके तो यार फिर फालतू में हेट ही मिलता है और कुछ नहीं होता। बट वही है कि बुरा लगता है यार, मतलब फ्री फायर कम्युनिटी पर अगर तुम कुछ भी नई चीज़ ले आओ ना, फिर वो चलती नहीं है ज़्यादा दिन, सब कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर जिसने लाई होती है उसके भी नहीं चलती, फिर तो दिक्कत वही है यार। मैं बोलूँगा तो ज़्यादा नहीं, फिर यार मैं अगर बोलूँगा तो फिर मैं अच्छे से लूँगा अगली बार, इस बार मैं लूँगा नहीं,
अगली बार मैं अच्छे से ही लूंगा, जिस दिन बोलूंगा उस दिन अच्छे से ही बोलूंगा, बट आज मैं बोलूंगा नहीं, छोड़ो मूड खराब नहीं करेंगे और बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। मैंने तुम लोगों उसी दिन बोला जब सेटअप वाला हम लोगों ने गेम स्टार्ट किया था, कोई ना कोई इसको भी चुरा के डाल देगा, बट कोई ना यार, अब मैं क्या बोलूँ यार, बुरा लगता है दिल से, बट क्या बोलूँ, छोड़ो यार, जाने तो, फिर मैं बोलूंगा बंदे का नाम लूंगा, ये वो करूंगा, फिर तुम लोग बोलोगे, फिर कॉन्ट्रोवर्सी, तो मेरे को तो वैसे छोड़ दो, जाने दो, बोलना ही नहीं है मेरे को। बात करते हैं स्काई लॉर्ड के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया और उसमें लिखा था, प्रो टिप, इफ यू वांट टू प्ले टूर्नामेंट जस्ट फोकस ऑन सर्व डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ फ्री फायर एम्प्लॉइज हेलो एफओ। तो इसमें स्काई लॉर्ड ने ये कहा कि आपको अगर फ्री फायर टूर्नामेंट खेलना है तो आपको बड़ा यूट्यूबर बनना होगा और आपका सब्सक्राइबर भी काफी ज्यादा होना होगा। तो आप लोग ये बताइए कि आपका इसमें क्या राय है। और कुछ दिन पहले टेक्निकल सागर ने जो फ्री फायर बेकार है टाइटल लेके एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें टेक्निकल सागर ने ये कहा था कि लॉर्ड डिवाइस यूज करने वाले फ्री फायर गेम खेलते हैं। तो उनके इसी बात के ऊपर सिप गेमिंग ने रिप्लाई दिया। तो इसमें उन्होंने रिप्लाई देते हुए क्या कहा, देख लीजिए। भाई आप उस टेक्निकल सागर को रोस्ट करो। भाई इसको क्या रोस्ट करूं, पूरी कम्युनिटी ने तो उसको बजा डाला, अब मैं क्या बजाऊं, मैं तो बड़ी चीजें बजाता हूं, ठीक है। एंड उसने अपने वीडियो में एक चीज बोली थी, कोई चीज बोली थी कि जो है जो पबजी हैंडल नहीं कर पाते हैं जिनके फोन, वो फ्री फायर खेलते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज बस कहना चाहूंगा, भाई मेरे पास 50,000 का फोन है, आरओजी फोन 3, ठीक है, तो मैं उसमें फ्री फायर ही खेलता हूं और कोई गेम नहीं खेलता हूं। और आई थिंक जितने भी मोबाइल गेम इस दुनिया में बने हैं सारे गेम वो हैंडल कर सकता है, मैं फिर भी फ्री फायर खेलता हूं। और मेरे घर में तो मेरा भाई है, उसके पास आईफोन है, ठीक है, वो भी फ्री फायर खेलता है, ठीक है। तो ये कंपेयर मत करो कि फोन अगर किसी के पास छोटा है तो वो फ्री फायर खेलता है, अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। और एक सच्चा गेमर किसी दूसरे गेम को कभी खराब नहीं बोलता, उसके लिए सब बराबर होते हैं। और ये भी कभी मत सोचना कि फ्री फायर मैं खेल रहा हूं तो मतलब गरीब हूं, ठीक है, ऐसा मैं ना, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, ये उनकी गंदी सोच है, अब छोड़ो उसको, क्या रोस्ट करें, उसके लिए यही काफी है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप लोग फ्री फायर गेम खेलने के लिए कितने जीबी का फोन यूज करते हो। और टेक्निकल सागर के इस वीडियो के बाद उनको फ्री फायर के ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हेट मिला और काफी सारे फ्री फायर के यूट्यूबर ने उनको रोस्ट किया। तो इसी के ऊपर टेक्निकल सागर ने अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड करते हुए ये कहा कि उस वीडियो में उन्होंने फ्री फायर का बुराई किया नहीं था, बस उन्होंने उस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर किया था। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके वजह से यूट्यूबर ने जोन को पर्सनल अटैक किया था और लोगों के सामने उनके बारे में हेट फैलाया था, उसके वजह से टेक्निकल सागर उनके ऊपर कर सकते थे। तो इसके बारे में टेक्निकल सागर ने और क्या कहा, देख लीजिए। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं मिलता, मैंने जस्ट अपनी ओपिनियन शेयर की थी, अब कई लोगों को पसंद आई, कई लोगों को नहीं आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस वीडियो पर जाके सबको गालियां बकें, ये गलत है। अगर उनमें से अगर कोई पर्सनल अटैक कर रहा है या कोई भी जो यूट्यूबर पर्सनल अटैक कर रहा है, किसी के बारे में कुछ गलत कर रहा है, डिफेमिंग कर रहा है, तो यार आप उसको पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, आप उस पर केस कर सकते हो। जैसे कि मुझे लोग पर्सनली अटैक कर रहे हैं, मैंने किसी को पर्सनली गाली तो नहीं दी। अगर मैं कल जाकर कोर्ट पे केस कर दूं या मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूं किसी एक स्ट्रीमर को उठा के, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि मेरे पर्सनल प्रोफेशन, मेरे पर्सनल नाम और उस पर वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो आप किसी भी लॉयर से पूछ लीजिए और किसी भी आप लीगल उससे पूछ लीजिए, प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं भी अगर किसी को पर्सनल टारगेट कर रहा हूँ, किसी को पर्सनली बोल रहा हूँ, नाम लेके उसको ऐसे बोल रहा हूँ कि वो ये गलत है, वो गलत है, तो इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये चीज वो लोग नहीं समझते। और इसी के साथ ही उनके इस वीडियो में फेम क्लेशर और स्काई लॉर्ड ने कमेंट किया। तो इसमें फेम क्लेशर ने लिखा, ओपिनियन क्रिटिसिज्म हेट्रेट में डिफरेंस होते हैं बट ही ग्रो अप मैन। और उसके बाद स्काई लॉर्ड ने लिखा, ओपिनियन इज टोटली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड अपडेटेड नॉलेज। और इसमें उन्होंने फ्री फायर का 2017 और 2021 का एग्जाम्पल दिया। तो इन सबके ऊपर आप लोगों का क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताना। अगला न्यूज है नूब गेमर बीबीएफ के बारे में। तो बीबीएफ ने बताया कि उन्होंने जो ओमेगल का वीडियो बनाया था, तो उसके डिलीटेड सीन का वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसमें एक रशियन लड़की ने स्काई लॉर्ड के लिए उनके लैंग्वेज में गाना गाया था। तो इसी के बारे में बात करते हुए बीबीएफ ने क्या कहा, देख लीजिए। शी सैंग ए सॉन्ग फॉर स्काई लॉर्ड, ठीक है, वो ना मैं एक डिलीटेड क्लिप वाले एक वीडियो बनाऊंगा, जितने क्लिप मैंने डिलीट कर दिया ना ओमेगल से, वहां पर डाल दूंगा। रशियन में गाया उसने, बट तुम लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा, मुझे खुद ही समझ भी नहीं आया भाई, बट स्टिल सॉन्ग बहुत ही बढ़िया था।
और कल टीजीबी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये गेमर का डेली लाइफ कैसा होता है और वो डेली लाइफ में क्या कुछ करते हैं। तो आपको अगर उनका ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो टीजी किलर ने कम्प्लीट कर लिया है 200 के सब्सक्राइबर, 4G गेमर ने कम्प्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर और स्काई लॉर्ड ने कम्प्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।